नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल श्री गुरु चरण पर। दोस्तों, आज के दैनिक राशिफल कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज है मित्रों 22 दिसंबर 2020 और दिन है मंगलवार का। यह दैनिक राशिफल चंद्रग्रह की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल के कार्यक्रम को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। इस राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ आपके संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं का भविष्यफल बताया जाता है। आगे बढ़ते हुए दोस्तों, सबसे पहले मेरी तरफ से जिनका आज बर्थडे है या एनिवर्सरी है, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। और चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। दोस्तों, आज है विक्रमी संवत 2077, मास अमांत है मार्गशीर्ष, मास पूर्णिमांत है मार्गशीर्ष। पक्ष रहेगा हमारा शुक्ल पक्ष और वार है हमारा मंगलवार। तिथि रहेगी हमारी अष्टमी शाम को 6:14 तक और उसके आगे नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। नक्षत्र है उत्तर भाद्रपद 1:38 तक दोपहर के, उसके आगे है रेवती नक्षत्र। योग रहेगा हमारा व्यतिपात योग 12:11 तक दोपहर के, उसके बाद रहेगा हमारा वरियान योग। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:10 पर, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 5:30 पर। दिक ऋतु शिशिर रहेगी, वैदिक ऋतु हेमंत रहेगी। राहु काल के समय की अगर हम बात करें तो यह रहेगा दोपहर को 2:55 से शाम के 4:12 तक। और ध्यान रखें कि इस काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। शुभ समय यानी कि अभिजीत मुहूर्त रहेगा हमारा दोपहर को 11:59 से दोपहर के 12:41 तक। दिशाशूल उत्तर की तरफ है, तो अगर आप इस ओर यात्रा कर रहे हैं तो दलिया खाकर यात्रा करें, आपकी यात्रा शुभ होगी। अशुभ समय, यमगण का समय रहेगा सुबह 9:45 से सुबह के 11:03 तक। होलिक काल का समय रहेगा दोपहर को 12:20 से 1:37 तक दोपहर के। दुमुहूर्त का समय रहेगा, पहला है सुबह 9:14 से 9:55 तक और दूसरा रहेगा सुबह 10:58 से 11:53 तक। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं आपके राशिफल के बारे में। क्या कहता है आपका राशिफल, क्या कहते हैं आपके सितारे, आपको बताएंगे हम कि आज आपके क्या उपाय करना चाहिए आपको अपने दिन के लिए और ज़्यादा शुभ बनाने के लिए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आज नई उम्मीद और आशाओं के साथ दिन की शुरुआत होगी। किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने में आप सक्षम रहेंगे। घर में किसी धार्मिक आयोजन संबंधी आप योजनाएं बनाएंगे और आपके अंदर भरपूर आत्मविश्वास बना रहेगा। दूसरों के मामले में अधिक हस्तक्षेप करने से आप बचें। इस समय किसी प्रकार का वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा होने के आसार आपके साथ बने हुए हैं। बिजनेस बढ़ाने से जुड़ी जो आपने योजनाएं बनाई हैं उन्हें फलीभूत करने का उचित समय आ गया है। इस समय कार्य क्षेत्र में लिया गया कोई भी फैसला आपके लिए उचित साबित हो सकता है। काम से संबंधित बातों में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी जिसकी वजह से आपका तनाव भी बढ़ सकता है। लाइफ पार्टनर के साथ हुए छोटे मोटे झगड़ों का असर आपकी मानसिक स्थिति पर पड़ेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको गिरने या वाहन द्वारा चोट लगने की स्थितियां बन रही हैं, तो सावधानी बरतें तथा वाहन का उपयोग ना करें तो आपके लिए उचित रहेगा। आज आपका भाग्य अंक होगा 4, शुभ रंग आपका हल्का गुलाबी होगा और आज आप बंदरों को केला खिलाएं, आपके लिए शुभ होगा। वृष राशि। वृष राशि के जातक किसी नजदीकी संबंधी की मदद करने तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने में अपना समय व्यतीत करेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा में उनका इजाफा होगा। किसी समारोह आदि में आपको आज जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। अधिक से अधिक व्यक्तियों के परिचय में आने की वजह से आपको नई बातों को सीखने का अवसर मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति को सुधरने में मदद मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपके रुके हुए काम किसी अनुभवी और वरिष्ठ इंसान की मदद से पूरे हो जाएंगे, परंतु इस समय विरोधियों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें। बेहतर होगा कि किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप अपने कार्यस्थल पर ना पड़ने दें।
काम से संबंधित आपकी तकलीफें दूर होने की वजह से आपके मन में शांति रहेगी। जीवन साथी का सहयोग आपको तनाव मुक्त रखेगा तथा आपके आपसी संबंध मधुर रहेंगे। आज आपको अत्यधिक मेहनत व भागदौड़ की वजह से ब्लड प्रेशर संबंधी समस्याएं उठ सकती हैं, इसीलिए लापरवाही ना करें और अपनी जांच अवश्य ही करवाएं। आज आपका भाग्य अंक होगा 1, शुभ रंग आपका हल्का लाल होगा और आज आप हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाएं, लाभकारी होगा। मिथुन राशि के जातक आज अपने आप को बहुत अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। किसी भी परिस्थिति में अपनी समस्याओं का हल ढूंढने में आप सक्षम रहेंगे। युवा वर्ग को अपनी पहली इनकम मिलने से बहुत अधिक खुशी महसूस होगी और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके पारिवारिक वातावरण को सुखमय बनाकर रखेगा। आपकी पैतृक संपत्ति संबंधी मामले आज अटक सकते हैं, इस समय धैर्य बनाकर रखना आपके लिए उचित रहेगा। कार्य क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव आएंगे, इस वक्त आपको किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह व योगदान लेना आपके लिए जरूरी होगा, क्योंकि कुछ प्रतिद्वंदी भी आपके लिए समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। बेहतर होगा कि किसी भी नई योजना को कार्य रूप ना दें। काम से संबंधित यात्रा सफल रहेगी। जीवन साथी की सलाह आपके लिए फायदेमंद रहेगी। किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात आपको तनाव मुक्त भी रखेगी। आज आप खान पान के प्रति लापरवाही ना रखें। दूषित खान पान की वजह से आपको पेट से संबंधित दिक्कतें रह सकती हैं। आज आपका भाग्य अंक होगा 7, शुभ रंग आपका मेहरून होगा और आज आप हनुमंत आराधना करें, आपके लिए लाभकारी होगा। कर्क राशि के जातक लंबे समय से चल रही किसी चिंता व तनाव से आज राहत पा लेंगे। बीमा निवेश आदि जैसी आर्थिक गतिविधियों में आपकी व्यवस्था बनी रहेगी और आप संपत्ति संबंधी विवाद हल करने में घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह अवश्य लेंगे। आज आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा जिससे आपका मन प्रसन्न भी रहेगा। आय के साथ साथ आपके व्यय की भी अधिकता रहेगी। अनावश्यक खर्चे आपको परेशान भी कर सकते हैं। विरोधियों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें। कोई अशुभ समाचार मिलने से आपका मन कुछ उदास भी रह सकता है। व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा का असर आपके काम पर पड़ेगा। इस समय कुछ लोग आपके लिए रुकावटें भी उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु किसी राजनीति या प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा। आज आपको किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। पति पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे। प्रेम संबंधों को परिवारजनों से विवाह संबंधी स्वीकृति लेने का समय बहुत उत्तम है। आज आप अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए पूरी तरह गंभीर रहेंगे, जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आज आपका भाग्य अंक होगा 1, शुभ रंग आपका गुलाबी होगा और आज आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए लाभकारी होगा। सिंह राशि के जातक किसी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के सानिध्य में अपनी विचारधारा में पॉजिटिव परिवर्तन लाएंगे तथा जीवन से जुड़े प्रत्येक कार्य को करने का बेहतरीन नजरिया उनको प्राप्त होगा। आप अपनी महत्वपूर्ण वस्तुएं तथा दस्तावेज संभाल कर रखें, क्योंकि उनके खोने पर गलत इस्तेमाल कर सकता है कोई भी और आपको आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। इसका प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति पर भी पड़ेगा, इसीलिए आप सुरक्षा और सावधानी दोनों चीज रखें। आपकी दैनिक आय बढ़ेगी और आयात निर्यात संबंधी कामों में ध्यान अपना रखेंगे। इस समय आपके लिए फायदेमंद परिस्थितियां बनी हुई हैं। नई व्यवसाय संबंधी भी कुछ योजनाएं बनाएंगे, जिसमें आपके पारिवारिक सदस्यों का महत्वपूर्ण सहयोग रहेगा। काम की जगह टीम वर्क न होने की वजह से छोटे मोटे कामों में देरी हो सकती है। विवाहित जीवन सुखमय व्यतीत होगा। किसी विपरीत मित्र से मुलाकात आपको खुशनुमा यादें ताजा करवाएगी। आज आपका आत्मविश्वास व सकारात्मक सोच आपको स्वस्थ रखेगी। आज आपका भाग्य अंक होगा 2, शुभ रंग आपका केसरिया होगा और आज आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, आपके लिए लाभकारी होगा। कन्या राशि के जातकों के घर में किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी, इसीलिए उनकी किसी भी बात की अवहेलना ना करें। महिलाओं के लिए दिन बहुत ही उत्तम फलदायक है। हर परिस्थिति में उन्हें सामना करने की हिम्मत और साहस प्रदान होगा। आप अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए जिन लोगों को धन दिया है वह लेना आपको शुरू कर देना चाहिए।
आपके मन में कभी कभी संबंधियों के प्रति नकारात्मक विचार आ सकते हैं, परंतु अपनी मन स्थिति पर काबू रखें तथा संबंधों को खराब होने से आप बचा सकते हैं। इस समय प्रत्येक गतिविधि पर अपनी पैनी नजर रखना आपके लिए जरूरी होगा। आपकी सूझबूझ व उचित फैसला आपको काफी हद तक समस्या से मुक्त रखेगा। काम से संबंधित सारे कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जाएंगे और इसका असर भी आपको दिखाई देगा। पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक रवैया आपसी संबंधों को और अधिक मजबूत बनाएगा, परंतु प्रेम संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए एक दूसरे पर विश्वास रखना आपके लिए जरूरी होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको थकान की वजह से पैरों में दर्द व सूजन की समस्या रहेगी। अपनी देखभाल करने के लिए समय अवश्य निकालें। आज आपका भाग्य अंक होगा 4, शुभ रंग आपका भगवा होगा और आज आप सुंदरकांड का पाठ करें, आपके लिए लाभकारी होगा। तुला राशि के जातक कुछ समय से नजदीकी लोगों के साथ चल रहे गलतफहमियों का निवारण आज आपका हो जाएगा। आपसी संबंध आपके ठीक हो जाएंगे और किसी प्रिय मित्र की सलाह से आशाएं और उम्मीदों की नई किरण आपके जीवन में उदय होगी। अगर संपत्ति संबंधी के बंटवारे कोई विवाद चल रहा है तो किसी की मध्यस्थता से हल होने का उचित समय है। इस समय आप अपनी मानसिक स्थिति को पॉजिटिव बनाकर रखें, तभी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और इससे समाज में आपको ख्याति भी प्राप्त होगी। तेजी मंदी और शेयर में भूलकर भी पैसा ना लगाएं, क्योंकि अभी समय उचित नहीं है। अपने प्रतिद्वंदियों की गलतफहमियों और गतिविधियों तथा हरकतों पर पैनी नजर रखें। बेहतर होगा कि सभी निर्णय आप स्वयं ही लें। काम को उचित श्रेय ना मिलना आपके लिए तकलीफदायक हो सकता है, तो आप थोड़ा संभल कर चलें। आपकी परेशानियों को पारिवारिक लोग समझेंगे और उचित सहयोग भी देंगे। अचानक ही किसी निकट संबंधी के आगमन से वातावरण खुशनुमा हो जाएगा। आज आपको गिरने या चोट लगने जैसी स्थितियां बन रही हैं, बहुत अधिक सावधानी रखें। अगर आज वाहन ना चलाएं तो आपके लिए उचित रहेगा। आज आपका भाग्य अंक होगा 2, शुभ रंग आपका हल्का लाल होगा और आज आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए लाभकारी होगा। वृश्चिक राशि के जातक अपनी दिनचर्या को संतुलित तथा व्यवस्थित बनाकर रखेंगे, जिससे अधिकतर काम आपके समय पर पूरे हो जाएंगे। विद्यार्थी तथा युवाओं को इंटरव्यू व करियर संबंधी परीक्षा में सफलता की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, इसीलिए वे लोग अपनी पढ़ाई के प्रति एकाग्रचित रहें। अधिक मौज मस्ती और फालतू कामों में समय ना बिताएं, इससे आपके कई इम्पोर्टेंट कामों में रुकावटें आ सकती हैं और आपका धन भी रुक सकता है। व्यवसायिक तौर पर ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में हैं। अपनी कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव संबंधी योजनाएं आप बना सकते हैं। तरक्की के उचित अवसर आपको प्राप्त होंगे। करियर में आर्थिक प्रगति ना देख पाना काम का उत्साह कम करवा सकता है। विवाहित जीवन सुखमय रहेगा, दोस्तों के साथ घूमने फिरने में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। आज आपको गिरने या वाहन आदि से चोट लगने की संभावनाएं हैं, अत्यधिक सावधानी बरतें तथा वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। आज आपका भाग्य अंक होगा 4, शुभ रंग आपका हल्का लाल होगा यानी कि लाइट रेड होगा और आज आप अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं, आपके लिए शुभ होगा। धनुराशि के जातक कुछ समय खुद के लिए बिताएं, उससे आपको शारीरिक और मानसिक ताजगी के साथ ऊर्जा मिलेगी। आपको अपनी दिनचर्या संबंधी कामों को पूरा करने में पारिवारिक सदस्यों की मदद भी मिल सकती है। ध्यान रखें कि अकारण ही आपका धन क्यों खर्च हो रहा है, क्योंकि इसका नेगेटिव परिस्थितियां आपके लिए उत्पन्न करवा सकती हैं और कोई लक्ष्य भी आपके हाथ से निकल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके जो प्रतिद्वंदी हैं आपके सामने दिखावे की प्रवृत्ति करेंगे, लेकिन आप उससे अपना बचाव रखें। आपका कोई कर्मचारी भी आपकी योजना को लीक कर सकता है, इसीलिए लापरवाही बिल्कुल ना करें और सभी कार्यों पर अपनी नजर रखें। मनचाही नौकरी न मिलने की वजह से उदासीनता रहेगी। जीवन साथी का सहयोग आपके कार्यों में आपको पूरा पूरा सहयोग करवाएगा। बदलते मौसम की वजह से आपको थकान व सुस्ती महसूस हो सकती है। व्यवस्थित दिनचर्या तथा व्यायाम आदि पर अपना समय व्यतीत करें। आज आपका भाग्यांक होगा 8, शुभ रंग आपका मेहरूम होगा
और आज आप गाय का पूजन करें आपके लिए शुभ होगा। मकर राशि। मकर राशि के जातकों पर पारिवारिक जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वाह करने में आपका उदारवादी व सहायक दृष्टिकोण सामाजिक कार्यों में एक बेहतर मिसाल के रूप में सामने आएगा। विद्यार्थी भी अपनी पढ़ाई के प्रति पूर्ण रूप से एकाग्रचित रहेंगे। अचानक ही आपको धन की कोई अच्छी खबर मिल सकती है और आपका पिछला रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। व्यापारिक नया काम आज शुरू कर सकते हैं क्योंकि किसी प्रकार की नुकसान होने की स्थिति आज नहीं है। ग्रह स्थिति भी बहुत अधिक उत्तम नहीं है, इसीलिए आप सावधानी बरतें। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने काम को बखूबी अंजाम दे पाएंगे। प्रोडक्शन एवं मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े लोग सहयोगियों की मदद से बड़ा ऑर्डर पूरा करवा पाएंगे। वैवाहिक संबंध मधुर रहेंगे, परंतु बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप अपने पारिवारिक जीवन पर ना होने दें। आज आपको गिरने या किसी वस्तु से चोट लगने की संभावनाएं हैं। काम के साथ साथ अपनी देखभाल करना भी आपके लिए जरूरी होगा। आज आपका भाग्यांक होगा 2। शुभ रंग आपका हल्का गुलाबी यानी कि लाइट पिंक होगा और आज आप तुलसी के सामने दीपक जलाएं, आपके लिए लाभकारी होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक अपना अधिकतर समय धार्मिक तथा सामाजिक संबंधी गतिविधियों में व्यतीत करेंगे। गुप्त विद्याओं के प्रति भी आपका विशेष रुझान रहेगा। इस समय आपके व्यक्तित्व के उत्थान संबंधी कुछ नए मार्ग प्रशस्त होंगे। अपनी पहचान बनाने में आप सफल रहेंगे। बड़ा काम शुरू करने से पहले आर्थिक परिस्थिति मजबूत करने पर अपना ध्यान दें। पैसे से जुड़े निर्णय आप सही तरीके से ले पाएंगे और आपके विचार भविष्य से जुड़ी योजनाओं को वास्तविकता का रूप लाने के लिए डिसिप्लिन और मेहनत, यह दोनों गुण आपको अपनाने होंगे। अपने कुछ नजदीकी और विश्वसनीय मित्रों के साथ अपने कामकाज संबंधी विचार विमर्श अवश्य करें, आपको बेहतरीन मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अपने दिए शब्दों को ना पालना वरिष्ठ द्वारा नाराजगी आपको दिलवा सकता है। पति पत्नी के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे तथा प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको शारीरिक थकान की वजह से कमजोरी महसूस होगी, जिसकी वजह से आप पर आलस और सुस्ती हावी हो सकती है। आज आपका भाग्यांक होगा 1। शुभ रंग आपका सिंदूरी होगा और आज आप दीप दान करें, आपके लिए लाभकारी होगा। मीन राशि। मीन राशि के जातक कोई भी काम करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर अच्छी तरह सोच विचार अवश्य करें। इससे परिस्थितियां पूर्णतः आपके पक्ष में हो जाएंगी। काफी समय से चल रहा किसी भी काम में आपकी रुकावटें आज दूर होंगी। कुल मिलाकर शांति और सुकून भरा दिन आप आज व्यतीत करेंगे। आप अपनी आवश्यकताओं को कम करें और धन को संग्रह करने का प्रयास करें, क्योंकि अभी तक आप अधिक से अधिक धन खर्च करते रहे हैं। अपना पूर्ण ध्यान अपने कार्यस्थल पर केंद्रित रखें तथा दूसरों की सलाह की अपेक्षा अपनी विचारों को प्राथमिकता दें। उच्च पद पर स्थित अधिकारियों को कठिन निर्णय लेते समय दूसरों की भावनाओं का आदर भी करना पड़ेगा। अपनी परेशानियों को जीवन साथी के साथ अवश्य ही शेयर करें, इससे आपको उचित सलाह मिलेगी तथा आपका मनोबल भी बना रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से मानसिक रूप से अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। कुछ समय मनोरंजन व परिवार के साथ व्यतीत करने से कुछ बेहतर महसूस करेंगे। आज आपका भाग्यांक होगा 7। शुभ रंग आपका केसरिया होगा और आज आप शालिग्राम जी का पूजन करें, लाभकारी होगा। तो मित्रों, इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपना सुझाव अवश्य ही दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय माता दी दोस्तों।